इस प्रकार लैंप सीधे सोडियम वेपर लैंप की तरह चालू नहीं किया जा सकता, मतलब कि जो ठंडा सोडियम अवस्था में होता है, ठंडा सोडियम ठोस अवस्था में होता है, ठंडा सोडियम ठोस अवस्था में होता है, इस प्रकार लैंप सीधे सोडियम वेपर लैंप की तरह चालू नहीं किया जा सकता है। इस कार्य के लिए ट्यूब में नियोन गैस भर दी जाती है, जब इसे सप्लाई से जोड़ते हैं तब एक नियोन लैंप की तरह चालू होता है, इसकी तरह चालू होता है, एक नियोन लैंप की तरह चालू होता है और यह लाल प्रकाश देता है। 10 से 15 मिनट के बाद ठोस सोडियम वाष्प में बदल जाता है और हल्का पीला हो जाता है, मतलब कि 10 से 15 मिनट के बाद ठोस सोडियम वाष्प में बदल जाता है, हल्का पीला हो जाता है। कहने का मतलब है कि लैंप को बंद करने के लिए क्या करते हैं, पहले दोहरी दीवार वाली ग्लास ट्यूब के बीच वायु निकाल ली जाती है। ठंडा सोडियम क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है, ठंडा सोडियम ठोस अवस्था में होता है, इस प्रकार लैंप सीधे सोडियम वेपर लैंप की तरह चालू नहीं किया जा सकता। इस कार्य के लिए ट्यूब में क्या डाला जाता है, इस कार्य के लिए ट्यूब में नियोन गैस भर दिया जाता है, जब इसे सप्लाई से जोड़ते हैं तब यह नियोन लैंप की तरह चालू होता है और लाल प्रकाश देता है। 10 से 15 मिनट के बाद ठोस सोडियम वाष्प में बदल जाता है और हल्का पीला प्रकाश देता है। अब क्या है कि लैंप से डिस्चार्ज चालू करने के लिए यह आवश्यक है कि लैंप की कार्य जो लैंप जो होता है उसका समान कार्य करने वाली वोल्टेज से शुरू की वोल्टेज अधिक होनी चाहिए। लैंप में से डिस्चार्ज चालू करने के लिए, मतलब डिस्चार्जिंग चालू करने के लिए, यह आवश्यक है कि लैंप की समान कार्य करने वाली वोल्टेज से शुरू की वोल्टेज अधिक होनी चाहिए। समान कार्य करने वाली वोल्टेज से शुरू की वोल्टेज अधिक होनी चाहिए। अधिक वोल्टेज एक अधिक रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर, यानी कि अधिक रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर को बोलते हैं, से ली जाती है, जिसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, कम होता है। इस प्रकार जब लैंप चालू हो जाता है तब ट्यूब में गैस की रेजिस्टेंस घटने के कारण, मतलब जब लैंप चालू हो जाता है ना तो ट्यूब की रेजिस्टेंस के घटने के कारण लैंप करंट बढ़ जाती है, लैंप के करंट बढ़ जाती है। चालू होने के बाद क्या हो जाता है, ट्यूब में गैस की रेजिस्टेंस घट जाती है और लैंप की करंट बढ़ जाती है और ट्रांसफार्मर की आउटपुट वोल्टेज घट जाती है। तब लैंप लगातार समान रूप से कार्य करता है। इस लैंप को सामान्यतः सड़कों की लाइट के लिए अधिकांश प्रयोग किया जाता है। इस लैंप का प्रयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है, सड़कों की लाइट के लिए अधिकांश प्रयोग किया जाता है, और इसकी प्रायोगिक ल्यूमेन जो होता है, इसकी प्रायोगिक ल्यूमेन जो ल्यूमेंस जो होता है, ल्यूमेंस इफिशेंसी 40 से 50 ल्यूमेन प्रति वाट होता है। कितना होता है, 40 से 50 ल्यूमेन प्रति वाट होता है। मरकरी वेपर लैंप, जो मरकरी वेपर लैंप जो होता है यह गर्म कैथोड गैस डिस्चार्ज लैंप है। यह कौन सा है, गर्म कैथोड गैस डिस्चार्ज लैंप, यह गर्म कैथोड गैस डिस्चार्ज लैंप है जो बनावट में सोडियम वेपर लैंप की तरह है, जो बनावट में सोडियम वेपर लैंप की तरह है, जो बनावट में सोडियम वेपर लैंप की तरह है, और लैंप में कम दबाव की गैस भरी होती है, और लैंप में कम दबाव की गैस भरी होती है। इसका दबाव सोडियम वेपर लैंप की तरह कम होता है, इसका जो दबाव होता है सोडियम वेपर लैंप की तरह कम होता है। तब लैंप की ल्यूमेंस जो तब लैंप की जो ल्यूमेंस इफिशेंसी बहुत कम हो जाती है। इसकी इफिशेंसी बढ़ाने के लिए मीडियम मीडियम क्या किया जाता है, प्रेशर और हाई प्रेशर गर्म कैथोड मरकरी लैंपों का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या किया जाता है,
इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मीडियम हाई प्रेशर गर्म कैथोड मर्करी लैंपों का प्रयोग किया जाता है। तब इस क्रमशः मीडियम प्रेशर मर्करी वेपर लैंप तथा हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप कहते हैं। मर्करी वेपर लैंप है, ये चौक है जो देख रहे हैं वो चौक है, ये कंडेंसर है और ये जो भाग है मेन इलेक्ट्रोड्स है और ये जो पार्ट से स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड है और ये जो है नीचे वाला मेन इलेक्ट्रोड है और ये आउटर ग्लास बल्ब है और ये बीच यहाँ जो दिख रहा है ये क्वार्टर्स ट्यूब है और रेजिस्टेंस स्टार्टिंग है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस स्टार्टिंग। अब आगे बढ़ते हैं, मीडियम प्रेशर वाले लैंपों में टंगस्टन के दो मुख्य इलेक्ट्रोड पर जो मीडियम प्रेशर वाले लैंपों में टंगस्टन के दो मुख्य इलेक्ट्रोड पर बेरियम ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाती है, बेरियम ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाती है। जो भी मीडियम प्रेशर वाले लैंपों में टंगस्टन के दो मुख्य इलेक्ट्रोड पर बेरियम ऑक्साइड की परत जो है चढ़ा दी जाती है, यानी कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकालने की धातु बेरियम ऑक्साइड की परत चढ़ाते हैं और उन्हें कठोर शीशे या क्वार्टर्ज ग्लास में बंद कर दिया जाता है। उन्हें कठोर शीशे या क्वार्टर्ज ग्लास में बंद कर दिया जाता है। मुख्य इलेक्ट्रोडों में से किसी एक इलेक्ट्रोड के पास एक सहायक स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड होता है। कौन सा होता है? एक सहायक स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड। इस ट्यूब में आर्गन गैस और कुछ मरकरी गैस रहती है, मतलब इस ट्यूब में आर्गन गैस और कुछ मरकरी गैस भरी रहती है। यह क्वार्टर्स ट्यूब्स दूसरे साधारण शीशे के बल में बंद होती है, जिसकी आंतरिक सतह पर फ्लोरोसेंट पाउडर की परत चढ़ाई जाती है, ऊष्मा को कम करने के लिए ट्यूब और बल्ब के बीच के स्थान को वायु रहित कर दिया जाता है। शुरू में लैंप को अधिक स्टार्टिंग वोल्टेज देने के लिए और डिस्चार्ज के पश्चात लैंप के सिरों पर वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करने के लिए भिन्न भिन्न टेपिंग की एक चौक क्वाइल इसके सीरीज में जोड़ दी जाती है। चौक क्वाइल के कारण सर्किट का पावर फैक्टर कम होता है। जिसे सप्लाई के पैरेलल में एक कंडेंसर लगाकर बढ़ाया जा सकता है। प्रारंभ में चालू करने के लिए जब स्विच को ऑन करते हैं तब गैस के अधिक रेजिस्टेंस के कारण मुख्य इलेक्ट्रोडों में से करंट नहीं बहती, मतलब गैस के अधिक रेजिस्टेंस के कारण जो मेन इलेक्ट्रोड में से करंट नहीं बहती बल्कि करंट मुख्य इलेक्ट्रोड और सहायक इलेक्ट्रोड के बीच आर्गन गैस के माध्यम से बहना शुरू कर देती है। इस प्रकार यह ऊष्मा मरकरी को वाष्पीकृत कर देती है जो मुख्य इलेक्ट्रोड के बीच की रेजिस्टेंस को कम करती है और इस प्रकार दो मुख्य इलेक्ट्रोडों के बीच डिस्चार्जिंग होती है। मतलब कहने का मतलब है कि इस प्रकार यह ऊष्मा मरकरी को वाष्पीकृत कर देती है,
जो मुख्य इलेक्ट्रोडों के बीच की रेजिस्टेंस को कम कर देती है। इस प्रकार दो मुख्य इलेक्ट्रोडों के बीच क्या हो जाता है, डिस्चार्जिंग हो जाती है। ऐसा इसलिए कि सहायक इलेक्ट्रोडों में करंट के क्षणिक रुकावट के कारण चुंबक कॉइल में अधिक वोल्टेज उत्पन्न हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि सहायक इलेक्ट्रोड में करंट के अधिक क्षणक करंट के क्षणिक रुकावट, मतलब क्षणिक रुकावट मतलब करंट को रोक देता है, तो रुकावट के कारण चौक कॉइल में अधिक वोल्टेज उत्पन्न होता है। समान पावर खपत के लिए मर्करी वेपर लैंप इनकैंडिसेंट लैंप की अपेक्षा 2.5 गुना अधिक प्रकाश देता है। समान पावर खपत के लिए मर्करी वेपर लैंप इनकैंडिसेंट लैंप की अपेक्षा 2.5 गुना अधिक प्रकाश देता है। ये लैंप भिन्न भिन्न वोल्टेज में उपलब्ध है। जैसे 80 वाट, 125 वाट, 150 वाट, 250 वाट, 400 वाट, 1000 वाट तथा ये नीले रंग का प्रकाश देता है। किसका प्रकाश देता है? नीले रंग का प्रकाश देता है। ये लैंप विशेष तौर पर राष्ट्रीय मार्ग, पार्क, लाइटिंग इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। ये नीले रंग का प्रकाश देता है। ये लैंप विशेष तौर पर राष्ट्रीय मार्ग, पार्क, लाइटिंग इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। लैंप की एफिशिएंसी 35 से 40 ल्यूमेन प्रति वाट है। जो लैंप की एफिशिएंसी है 35 से 40 ल्यूमेन प्रति वाट है। अब होता है इलेक्ट्रिक गैस डिस्चार्ज लैंप के अवगुण। डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक गैस डिस्चार्ज लैंप। पूरा प्रकाश देने की यह लगभग 6 मिनट लेता है। जो आपका इलेक्ट्रिक गैस डिस्चार्ज लैंप जो है वह पूरा प्रकाश देने के लिए कितना मिनट लेता है? 6 मिनट। जब घूमने वाली वस्तु जैसे लेथ मशीन की चक इत्यादि पर इन लैंपों के द्वारा प्रकाश किया जाता है, तब इसकी कई छाइयों के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि यह गलत दिशा में घूम रहा है, जिसके कारण दुर्घटना हो सकती है। मर्करी वेपर लैंप के प्रकाश के इस प्रभाव को स्टर्बोस्कोपिक प्रभाव कहते हैं, जो खतरनाक। साथ साथ वाले लैंपों को भिन्न भिन्न फेजों पर लगाकर इस प्रभाव से बचा जा सकता है। मर्करी वेपर लैंप को किसी भी साधारण लैंप होल्डर में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस कैप में 3 पिन होते हैं। कितने पिन होते हैं? 3 पिन। इस प्रकाश में वस्तु के रंग का सही निर्णय नहीं किया जा सकता है। शुरू में स्विच ऑन करने पर यह लगभग 6 एम्पियर करंट लेता है और 6 मिनट बाद इसकी करंट 3 एम्पियर तक गिर जाता है। अब इसके लाभ। यह दिन जैसा प्रकाश उत्पन्न करता है। कैसा? दिन जैसा, जिसे एक फैक्ट्री के उत्पादन को बढ़ाने में सहायता मिल सकती है। मर्करी वेपर लैंप की आयु इनकैंडिसेंट लैंप की तुलना में अधिक होती है। फ्लोरोसेंट लैंप। यह लैंप गर्म कैथोड कम दबाव मर्करी वाष्प लैंप है। और इन्हीं लंबी शीशे की ट्यूब के आकार में बनाया जाता है। जिनकी भिन्न भिन्न वाटेज और लंबाई निम्नलिखित है। 20 वाट 0.6 मीटर 2 फीट, 20 वाट 0.6 मीटर 2 फीट, 40 वाट 1.2 मीटर 4 फीट 40 वाट 1.2 मीटर 4 फीट 65 वाट 1.5 मीटर 5 फीट 65 वाट 1.5 मीटर 5 फीट 80 वाट 1.5 मीटर 5 फीट यानी 20 वाट का जो होता है
0.6 मीटर, 2 फीट, 40 4 फीट, 65 5 फीट, 80 5 फीट। अब फ्लोरोसेंट ट्यूब के सिरों पर 2 टंगस्टन फिलामेंट लगे होते हैं। इस पर आसानी से इलेक्ट्रॉन देने वाली बैरियम ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाती है। ट्यूब के आंतरिक भाग में फ्लोरोसेंट पाउडर की परत चढ़ा दी जाती है। इसमें कुछ मरकरी, जैसे 25 मरकरी से 50 mg, मतलब 25 mg से 50 mg प्रति ट्यूब्स में कुछ मरकरी क्या कर देते हैं, भर देते हैं, और लो प्रेशर की आर्गन गैस भर दी जाती है, और साथ में मरकरी के साथ लो प्रेशर आर्गन गैस भर दी जाती है। ट्यूब में गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि चालू करते समय मरकरी सामान्य द्रव अवस्था में होती है, इसलिए लैंप आर्गन गैस की तरह चालू होता है। जब तापमान बढ़ता है तब द्रव मरकरी वाष्प रूप में परिवर्तित हो जाती है। और करंट ले जाने का कार्य करती है। इस एक चौक क्वाइल और एक स्टार्टर को भी ट्यूब के सिर में जोड़ा जाता है। जोड़ दिया जाता है। ट्यूब के स्टार्टिंग के समय चौक क्वाइल का कार्य लगभग 1000 वोल्टेज देना होता है। स्टार्टिंग के बाद यह सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए ब्लास्ट की तरह कार्य करता है। और ट्यूब को कार्य करने के लिए 110 वोल्टेज सप्लाई करती है। सर्किट में स्टार्टर एक स्विच का कार्य करती है। यह इलेक्ट्रोड, ग्लो टाइप स्टार्टर, मरकरी, चौक, कंडेंसर, एसी सप्लाई। एक ट्यूब के कनेक्शन को कनेक्शन ग्लो टाइप स्टार्टर और चौक कॉइल के साथ दिखाया गया है ऊपर की तरफ। जलने वाली प्रकार के स्टार्टर में 2 द्विधात्विक इलेक्ट्रोडों को हीलियम से भरी एक छोटे शीशे में ट्यूब में बंद की कर दी जाती है। इलेक्ट्रोड सामान खुले रहते हैं। जब स्विच को ऑन करते हैं तब हीलियम गैस में थोड़ी करंट एक इलेक्ट्रोड से दूसरी इलेक्ट्रोड की ओर बहती है और स्टार्टर के लगने व हटने के कारण रेडियो में उत्पन्न आवाज़ को कम करने के लिए और द्विधात्विक इलेक्ट्रोड की आयु को बढ़ाने के लिए स्टार्टर के सिरों पर एक कंडेंसर लगा दी जाती है। देखिए, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हीलियम गैस से थोड़ी करंट एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर बहती है और स्टार्टर के लगने व हटने के कारण रेडियो में उत्पन्न आवाज़ को कम करने के लिए द्विधात्विक इलेक्ट्रोडों की आयु को बढ़ाने के लिए स्टार्टर के सिरों में एक कंडेंसर लगा दिया जाता है। स्टार्टर के सिरे में। तब चौक क्वाइल ट्यूब फिलामेंट और स्टार्टर में से बहुत कम करंट बढ़ती है। स्टार्टर में हीलियम गैस होते हुए एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में गुजरती है। जो द्विधात्विक इलेक्ट्रोडों को झुका देती है।
इस प्रकार वे एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। इस प्रकार वे एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। अब इलेक्ट्रोडों में पर्याप्त अधिक करंट यानी 40 वाट ट्यूब के लिए 650 मिली एम्पियर बहती है। एक या दो सेकेंड बाद इलेक्ट्रोड ठंडे हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप संपर्क टूट जाता है और इस प्रकार करंट फिलामेंट और चौक कॉइल में बहना बंद कर देती है। इसके आकस्मिक बंद होने के कारण चौक कॉइल में सामान्य वोल्टेज से 4 से 5 गुना अधिक वोल्टेज उत्पन्न हो जाती है, जिसे लंबी गैस ट्यूब के सिरों पर दिया जाता है। इस प्रकार ट्यूब में डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। ट्यूब के चालू होने के बाद चौक ब्लास्ट की तरह कार्य करती है। अपने सिरों के बीच बढ़ी हुई रिएक्टेंस के कारण वोल्टेज ड्रॉप करती है इस प्रकार ट्यूब के सिरों पर वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज की अपेक्षा कम होती है40 वाट के ट्यूब के लिए चालू अवस्था में करंट 430 मिली एम्पियर 40 वाट ट्यूब के चालू अवस्था में करंट 430 मिली एम्पियर यह लैंप ठंडी चमक रहित दिन जैसी रोशनी देता है। इसकी एफिशिएंसी 60 लुमेन प्रति वाट है। लैंप और औसत वायु लगभग 5000 कार्य घंटे हैं। यह वर्कशॉप, ड्राइंग रूम, कार्यालय सभी समान स्थानों पर लाइटिंग के लिए लाभदायक है। जब इस लैंप को डीसी सप्लाई पर प्रयोग करने की आवश्यकता होती है तो चौक के सिरे में एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं जो शुरू में ब्लास्ट का कार्य करती है और बाद में वोल्टेज को ड्रॉप करती है और सर्किट में करंट को बराबर करने के लिए कार्य करती है। चौक और फ्लोरोसेंट ट्यूब का डाटा नीचे दिया गया है। देखिए 240 वोल्टेज पर चौक कॉइल की जो वोल्टेज होती है 240 वोल्टेज चौक कॉइल की पावर जो होती है 20 वाट चौक कॉइल की पावर 20 वाट चौक कॉइल द्वारा खपत पावर 10 वाट और चौक कॉइल का पावर फैक्टर 0.35 चौक कॉइल की प्रारंभिक करंट 540 मिली एम्पियर चौक कॉइल की चालू अवस्था में करंट 370 मिली एम्पियर प्रारंभिक में जो होता है ना 20 वाट का चौक कॉइल वो 540 मिली एम्पियर लेता है और चालू की अवस्था में 370 मिली एम्पियर होता है। ट्यूब की पावर कितना होता है? ट्यूब की पावर 20 वाट और इसका ट्यूब की औसत आयु घंटा 5000 हो जाता है। अब कहता है 240 यानी 40 वाट का जो कॉइल का पावर होता है ना चौक द्वारा खपत एनर्जी क्या लेता है 12 वाट और चौक कॉइल का पावर फैक्टर 0.5 और वह 650 मिली एम्पीयर लेता है प्रारंभिक में और चालू अवस्था में 430 मिली एम्पियर करंट लेता है। वो 40 वाट का होता है 5000 घंटा। अब 65 वाट का जो कॉइल का पावर जो है वह उसका जो कॉइल द्वारा खपत पावर 18 वाट होता है। चौक कॉइल का पावर फैक्टर 0.53 होता है। वह 950 मिली एम्पियर करंट लेता है। चालू अवस्था में 670 मिली एम्पियर लेता है और ये 65 वाट का है और 5000 घंटा। अब 80 वाट का जो होता है 21 वाट चौक कॉइल का खपत पावर है और चौक कॉइल का पावर फैक्टर 0.55 चौक कॉइल का प्रारंभिक करंट 1300 मिली एम्पियर और चौक कॉइल के चालू अवस्था में करंट 870 मिली एम्पियर और यह ट्यूब की औसत आयु 18 यानी ट्यूब की औसत आयु होता है 5000 घंटे। अब फ्लोरोसेंट मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर परत के आकार में प्रयोग किया गया फ्लोरोसेंट पदार्थ अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों को शोषित करता है।
जो फ्लोरोसेंट मटेरियल जो होता है ट्यूब के अंदर परत के आकार में प्रयोग किया गया है, ट्यूब के अंदर परत के आकार में प्रयोग किया गया है जो फ्लोरोसेंट पदार्थ यानी कि अल्ट्रावायलेट बैंगनी किरणों को शोषित करता है और उन्हें प्रकाश की किरणों में बदलता है। भिन्न भिन्न पदार्थों की परत भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश देती है और उनमें से कुछ नीचे गया है दिया गया है। अब ये है कैल्शियम टंगस्टेन जो फ्लोरोसेंट पदार्थ में जब भरते हैं, कौन सा कैल्शियम टंगस्टेन, तो यह नीला रंग देता है। कैल्शियम टंगस्टेन भर दिए तो नीला, मैग्नीशियम टंगस्टन भर दिए तो नीला सफ़ेद, मैग्नीशियम टंगस्टन भर दिए तो नीला सफ़ेद, जिंक बेरिलियम सिलिकेट भर दिए तो पीला सफ़ेद, जिंक बेरिलियम सिलिकेट भर दिए तो पीला सफ़ेद, कैडमियम सिलिकेट भर दिए तो पीला गुलाबी, कैडमियम सिलिकेट जो भर दिए तो पीला गुलाबी, कैडमियम अगर भर दिए तो गुलाबी, कैडमियम भर दिए तो गुलाबी, जिंक सिलिकेट भर दिए तो हरा। अब है फिलामेंट लैंप और फ्लोरोसेंट लैंप। यह लैंप हल्के लाल रंग का प्रकाश देता है फिलामेंट लैंप, और फ्लोरोसेंट लैंप में जो होता है यह विभिन्न प्रकार के फ्लोरोसेंट पाउडर के प्रयोग के द्वारा भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है। फिलामेंट जो लैंप है इस लैंप का प्रकाश परछाई देता है फिलामेंट का, लेकिन फ्लोरोसेंट में क्या है इस लैंप का प्रकाश हल्की परछाई देता है। फिलामेंट लैंप का प्रारंभिक मूल्य कम होता है, लेकिन फ्लोरोसेंट लैंप जो होता है इसकी प्रारंभिक मूल्य अधिक होता है। अब कहता है फिलामेंट लैंप की स्थापना व देख रेख सस्ती होती है, लेकिन फ्लोरोसेंट लैंप का प्रारंभिक मूल्य अधिक होता है और इसकी स्थापना पर देख रेख महंगी होती है। इसकी चमक फिलामेंट लैंप की जो होता है चमक बहुत अधिक, फ्लोरोसेंट की चमक कम। फिलामेंट लैंप जिस किसी वस्तु का वास्तविक रंग लैंप के प्रकाश के द्वारा नहीं बदलता, और फ्लोरोसेंट लैंप इसका प्रकाश वस्तु का वास्तविक रंग बदल जा सकता है। अब है फिलामेंट लैंप को जलाना सरल है, फ्लोरोसेंट लैंप को जलाना कठिन हो सकता है। फिलामेंट लैंप की आयु 1000 कार्य घंटा है, फ्लोरोसेंट लैंप की औसत आयु 5000 कार्य घंटा है। फिलामेंट इस लैंप में अधिक ऊष्मा होने के कारण अधिक पावर खपत होता है, फ्लोरोसेंट लैंप में कम ऊष्मा होने के कारण इसका पावर खपत कम होता है। फिलामेंट प्रकाश चकाचौंध वाला है, फ्लोरोसेंट प्रकाश हल्का चकाचौंध वाला है। फिलामेंट लैंप में स्टेरोस्कोपिक प्रभाव होता है, फ्लोरोसेंट लैंप में जो स्टेरोस्कोपिक प्रभाव होता है, फिलामेंट में स्टेरोस्कोपिक प्रभाव नहीं होता है, लेकिन अब फ्लोरोसेंट लैंप में स्टेरोस्कोपिक प्रभाव होता है। फिलामेंट लैंप की ल्यूमेन आउटपुट कम और यह 8 से 10 ल्यूमेन प्रति वाट है। फ्लोरोसेंट लैंप की ल्यूमेन आउटपुट अधिक होती है, यह लगभग 400 ल्यूमेन प्रति वाट है। फिलामेंट बार बार स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए इस लैंप की आयु नहीं घटती, फ्लोरोसेंट को बार बार स्विच ऑन ऑफ करने से इस लैंप की आयु घट जाती है। अब है दोष कारण और निवारण। स्विच ऑन करने के पश्चात ट्यूब अगर नहीं जलती है तो इसके क्या कारण हो सकता है? पहला कारण सप्लाई बंद है, दूसरा कारण ट्यूब के सर्किट में ढीला और कनेक्शन या ट्यूब फिलामेंट का ओपन होना, तीसरा कारण स्टार्टर में ओपन सर्किट होना या उसका खो जाना, चौथा है स्टार्टर में कैपेसिटर के सिरों का टूटना, पांचवा है चौक कॉइल में ओपन सर्किट होना, छठा है ट्यूब के कनेक्शनों का गलत होना। अब इसके निवारण में क्या कर सकते हैं? सप्लाई को चेक करो और दोष को दूर करो, ढीला कनेक्शन या फिलामेंट को ओपन होने की जांच करो,
ओपन सर्किट के लिए स्टार्टर की जांच करो या नया स्टार्टर लगाओ। सिरों को सोल्डर करो या नया सोल्डर लगाओ। दोष को दूर करो और मरम्मत संभव न हो तो इसे बदल दो। ट्यूब के कनेक्शन की जांच करो, इसकी गलत हो तो उन्हें ठीक करो। दोनों फिलामेंट गर्म होते हैं परंतु ट्यूब नहीं जलती, इस कंडीशन में क्या करेंगे? स्टार्टर के कॉन्टेक्ट पॉइंट आपस में जुड़ गए हैं, अर्थात स्टार्टर में शॉर्ट सर्किट होना है। अब फ्लोरोसेंट ट्यूब जो है तुरंत क्या बोलते हैं, ट्यूब के कनेक्शन ये गलत हो तो निजात करो, ठीक है। दोनों फिलामेंट गर्म होता है परंतु ट्यूब नहीं जलती है, तो स्टार्टर के कॉन्टेक्ट पॉइंट को आपस में जुड़ गए हैं तो स्टार्टर में शॉर्ट सर्किट है, परंतु नया स्टार्टर बदले नहीं तो अधिक प्रारंभिक करंट 600 मिली एम्पियर होने के कारण ट्यूब के सिरे वाले काले पड़ जाएंगे और चौक गर्म हो जाएगी। स्विच ऑन करने के पश्चात केवल एक ही फिलामेंट जलता है, स्टार्टर के कनेक्शन का अर्थ होना। स्विच ऑन करने के पश्चात केवल एक ही फिलामेंट जलता है, कौन सा? स्टार्टर के कनेक्शन को अर्थ होना। अर्थ की जांच करो और दोष को दूर करो। ट्यूब जलती है परंतु दूरी रोशनी नहीं देती। फिलामेंट के पाउडर झड़ने के कारण ट्यूब की आयु समाप्त हो जाती है और नहीं नई ट्यूब बदलो। ट्यूब टिमटिमाते हैं, स्टार्टर का कमज़ोर होना, सप्लाई वोल्टेज कम होना, लंबे समय से प्रयोग करने के बाद ट्यूब का कमज़ोर होना, नई ट्यूब बदलो, नया स्टार्टर बदलेंगे, सप्लाई वोल्टेज की जांच करेंगे, यदि संभव हो तो वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रयोग करेंगे। यदि वास्तव में कमज़ोर है तो इसे बदले। उसके बाद है केवल एक फिलामेंट का जलना और दूसरे का काला पड़ना। ट्यूब की आयु पूर्णतः समाप्त हो गई है, नई खुली ट्यूब बदलो।